हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारी इनवर्स त्रिकोणमिति चल रही थी और इनवर्स त्रिकोणमिति में हमने कुछ फार्मूले बेस्ड बताए हुए थे जनरल में कि सबसे पहले तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलती है। तो आज हम उसी में नई वैरायटी लेके आए हुए हैं, तो देखेंगे कि नई वैरायटी के जो फार्मूले होते हैं उनको कैसे मतलब किया जाता है। तो जैसा कि साइन ए प्लस बी का हमें फार्मूला पता है क्या होता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हमें पता है, होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन ए। हमने यहाँ से लेट किया है क्या, हमने यहाँ से लेट किया लेट साइन ए बराबर हमने लेट किया एक्स एंड साइन बी बराबर हमने लेट किया क्या वाई। तो यहां से ए बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ए बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। यहां से बी बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से देखो, अब उसी को उठा के इधर लाओ तो साइन ए बराबर क्या लिखा है एक्स और कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस का। और वहां पे देखो कॉस ए तो ये और साइन बी बराबर क्या हो जाएगा वाई और कॉस ए की जगह क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या था साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर देखो यहाँ से ये हमारा साइन ए प्लस बी के बराबर ही चल रहा है, साइन ए प्लस बी के बराबर ही चल रहा है। तो यहाँ से अगर साइन को यहाँ से हटाएं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा कुछ इस तरीके से मिलके बनेगा। और यहाँ पे जब ए प्लस बी, ए का मान हमारा क्या है बी का मान हमारा क्या है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से देखो ये ओपन होगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा एक्स इन रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से इसका ये फार्मूला बनेगा जाके, ठीक है। अगर हमसे बात की जाए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे कि साइन इनवर्स एक्स को डायरेक्ट फार्मूले भी आते हैं। ऐसा नहीं कि फार्मूला ना आए, एयरफोर्स में हुआ नेवी में हुआ डायरेक्ट फार्मूले भी पूछे जाते हैं। ऐसा हमसे फार्मूला पूछा गया था टू साइन इनवर्स एक्स का, तो ये होता है फार्मूला साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसके बराबर होता है। तो ये भी फार्मूला तो है, ये भी आता है डायरेक्ट, ये भी पूछा जाता है। तो वहां पे हमें प्रूविंग नहीं, हमें याद होना चाहिए, हमने बता दिया कि मतलब इस तरीके से आता है, लेकिन हमें डायरेक्ट आना चाहिए, ये लिखा होगा आपको और ये इसके बराबर हमें देखना होगा। अगर यहाँ पे आप माइनस कर देते हो तो भाई साहब आप ये भी इस जगह भी माइनस करोगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। अगर इसी में दूसरा वाला पूछा जाए, कौन सा कॉस वाला पूछा जाए, अगर हमसे इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई के लिए पूछा जाए, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई बराबर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट, और यहाँ पे जब अगर आप प्लस लगाओगे तो यहाँ पे आपको माइनस लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे आपने माइनस लिखा, अगर यहाँ पे माइनस लगाओगे तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा प्लस, तो ये भी कुछ इसी तरीके से ही आएगा, ठीक है। जैसे हमने इसको बना के लिखा है वैसे ये भी आएगा आपका और ये भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा। तो आई होप कि इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं लगी होगी, बिल्कुल एक सिंपल वे से कहें बिल्कुल एक सिंपल है। और इनवर्स त्रिकोणमिति का सवाल जरूर आता है, नेवी में ये आपको देखने को मिलेगा, एयरफोर्स में हालांकि डायरेक्ट ही पूछा जाता है ज़्यादा, मतलब वैसे नहीं पूछा जाता, कोस्ट गार्ड में भी डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड ही पूछा जाता है क्योंकि टाइम टेकन कुछ इस तरीके से होता है, टाइम टेकन होता है वहाँ पे 10-15-20 सेकेंड मिलना है, हालांकि एयरफोर्स में तो 52 सेकेंड मिलता है पर क्वेश्चन के लिए, लेकिन कोस्ट गार्ड में इतना कम हो जाता है क्योंकि 50 क्वेश्चन 30 मिनट यार कम होता है ना भाई, ये पूरा 40-45 to 40 सेकेंड अब तो होता जाके है, तो उस तरीके से आपको करना होता है। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला साइन इनवर्स
एक्स प्लस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम सोचें कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए रिलेट करें तो फार्मूला हमारा यही है, जब प्लस लगाते हैं तो ये माइनस हो जाता है, क्यों? क्योंकि फार्मूला कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस जब है तो हमारा माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। तो वही हमने किया कि एक्स वाई और सॉरी यहाँ पे कॉस इनवर्स तो लिखना ही होगा ना, कॉस इनवर्स तो ये हमारा रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा रहेगा, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, आप इसको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। हम इसी पे एक क्वेश्चन देख लो भाई, एक एग्जांपल इसी में लगा लो, एग्जांपल जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जांपल एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल में देखो साइन इनवर्स वन अपान थ्री प्लस का साइन इनवर्स टू अपान थ्री, दिस इज गिवन है, ये गिवन है, बराबर है साइन इनवर्स एक्स, तो कहता है एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वन अपान थ्री साइन इनवर्स टू बाई थ्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, तो देखो अब यहाँ पे देन द वैल्यू ऑफ एक्स, अगर आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन तो करना नहीं होता है, ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में जीरो, बी ऑप्शन में फाइव प्लस, ठीक है, फाइव अंडर रूट रूट फाइव माइनस फोर रूट टू अपान कितना नाइन, सी ऑप्शन में रूट फाइव प्लस फोर रूट टू अपान कितना नाइन, और नंबर डी में फाइव बाई टू, तो ये ऑप्शन आपको गिवन है, आपको ऐसे करना है। तो यहाँ से आपको देखो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स वन अपान थ्री साइन इनवर्स ये दिया हुआ है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, साइन इनवर्स ये यहाँ पे हो जाएगा वन अपान थ्री, और ये कोष्टक में वन माइनस टू बाई थ्री का वर्ग, और ये प्लस लगा होगा तो प्लस, और ये हो जाएगा टू बाई थ्री इन रूट वन माइनस वन अपान थ्री की पावर टू इज इक्वल टू कितना साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा वन अपान थ्री, और ये हो जाएगा कितना रूट, अगर यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो 9 से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, काय का अंडर रूट का बटे कितना 3 प्लस का 2 बटे 3 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 बटे कितना 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 से 1 घटेगा 8 बचेगा, 8 को हम 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया हमने कितना 9, तो यहाँ से हो गया रूट 5, इधर कितना हो गया 4 अंडर रूट 2, विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपने यहाँ पे देखो सोचने की जरूरत है, क्योंकि 9 से 4 घटेगा कितना बचेगा रूट 5, सब रूट में रहेगा, अंडर रूट 5 रहेगा और ये 3 बाहर से निकल आके आएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट में 9 रहा होगा, यहाँ पे 2 बटे 3 है, तो इस तरीके से ये हमारा ऐसा है। आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, मैं फिर बोलता हूँ कोई भी एग्जाम क्लियर करना ज़्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़े तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है, आगे बढ़े तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, चलो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं है, हम इसी तरीके से अगर क्वेश्चन एक कोई बना दिया जाए तो ठीक रहेगा, लेकिन फिलहाल चलो नेक्स्ट वैरायटी पे। अगर हमें देखो यहाँ से आपको फार्मूला करना है, क्या कि टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है आपको पता है टेन ए प्लस का टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये आपको तो भली बात पता है और होता भी है, ठीक है, और ये होता भी है यहाँ से a प्लस बी का है, अगर हम यहाँ से tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y लेट करें तो ये जो होगा जाके tan इनवर्स x
प्लस का टेन इनवर्स वाई बराबर बटे, ये बराबर है तो बटे हो जाएगा वन माइनस टेन इनवर्स, सॉरी गलत हो गया, तो ये होगा जाके टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये होगा जाके। लेकिन इसके लिए होगा कब जाके, तो इसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है क्या कि एक्स का मान हमारा जीरो से बड़ा होना चाहिए और वाई का भी मान हमारा जीरो से बड़ा होना चाहिए और एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है हमेशा एक से कम होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव होनी चाहिए, तभी हमारा ये वैलिड होगा जाके, अन्यथा वैलिड नहीं होगा। मतलब कि एक्स का हमारा मान बड़ा होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, वाई का मान भी बड़ा होना चाहिए और एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है हमेशा लेस देन वन होनी चाहिए, तभी ये हमारी चीज़ें संभव हैं, अन्यथा नहीं संभव है। नेक्स्ट आगे बढ़े तो ये फर्स्ट नंबर था, सेकेंड नंबर पे अगर आप बात करें यहीं से यही चल रहा है और यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई, सॉरी टेन इनवर्स ये हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, तो ये क्या अप्लाई होगा कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्स का मान भी आपके पास बड़ा है, एक्स का मान जीरो से बड़ा है, वाई का मान जीरो से बड़ा है, ठीक है, और जो अगर हमारा एक्स वाई का मान जो है मल्टीपल एक से बड़ा है तब क्या होगा, अगर एक्स का मान भी हमारा जीरो से बड़ा है, वाई का भी मान हमारा जीरो से बड़ा है, तो एक्स वाई का मान हमारा जब इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पे देखो आपने क्या लगाया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई ही तो लगाया है, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स क्या लगाया है, वाई लगाया हुआ है, तो ये हमारा इसका फार्मूला तो ये होता है, हमने कहा कि एक्स का मान जीरो से बड़ा, वाई का मान जीरो से बड़ा और एक्स वाई का जो मल्टीप्लाई है एक से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, एक से बड़ा आ जाए, तब हमें क्या सोल्यूशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको पाई ऐड करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो पाई के रिस्पेक्ट में ऐड होके आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर पे बात करते हैं कि फिर हमने अगर फार्मूला लगाया टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई बराबर, आपको पता है कि फार्मूला ये हमारा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई। अब की बार हमने कहा कि एक्स का मान जीरो से छोटा, वाई का मान भी हमारा जीरो से छोटा है और एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है वो भी हमारी एक से कैसी है, कम है, तो इसके लिए कंडीशन क्या अप्लाई होगी, तो इसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये हमें लिखना होगा। बेसिकली जो हमारा ये है एक्स वाई का मान, जो हमारा एक्स वाई इज लेस देन वन है और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन वन, और यहाँ पे भी एक्स इज लेस देन वन है, एक्स वाई इज लेस देन वन, तो हमें ये सबसे चीज़ें ज़्यादा याद रखनी है कि एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक से कम है, एक्स हमारा पॉजिटिव है तो दिस एक्स वाई हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और एक्स वाई की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा आ रही, मल्टीप्लाई जो आ रहा है एक से ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या लगाओगे ये। फिर अगला अगर आपने लगाया कि एक्स वाई का जो मल्टीप्लाई है एक से कम आ रहा है, ठीक है, एक से कम है और एक्स भी एक से कम, एक्स भी जीरो से कम है, छोटा है, वाई भी छोटा है, मतलब निगेटिव आ रहा है वैल्यू और एक्स वाई की भी वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, ठीक है, आगे और ये क्वेश्चन है, ये तो फार्मूले हैं, फंडे हैं, आपको इस तरीके से लगाना है और ये तो वैल्यू भी प्लस में, अगर हमारे पास यही क्वेश्चन यही मतलब फार्मूले अगर माइनस में भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए दूसरी कंडीशन है, तो इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, आप आई होप इसको कर पाओगे आप, ठीक है। और ये डायरेक्ट एनडीए में ये चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, एनडीए में आप देखोगे जाओगे तो चीज़ें डायरेक्ट मिलेंगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, इसके लिए अगर कंडीशन की बात करें तो एक्स का मान, अगर एक्स का मान हमारा जीरो से बड़ा, वाई का मान जीरो से छोटा है और एक्स वाई की वैल्यू जो हमारी है लेस देन कैसी है वन है, एक्स वाई की वैल्यू कैसी है लेस देन, एक्स वाई की वैल्यू कैसी है
लेस देन वन है, ठीक है, लेस देन वन है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले अगली बार हम ग्रेटर देन वन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन वन, तो हमारा ये लागू रहेगा। फिर अगर हमने फार्मूला जस्ट नेक्स्ट टाइम लगाया कि भाई टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के लिए फार्मूला लगाया और हमने लिखा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, है ना, और इसमें अभी थोड़ा होल्ड करते हैं ना कि एक्स का मान हमारा जीरो से बड़ा है, एक्स का मान जीरो से बड़ा, वाई का मान जीरो से छोटा है, और एक्स वाई की जो मल्टीप्लाई है एक से कम है, कैसी है, निगेटिव है, कि एक्स हमारा पॉजिटिव वाई निगेटिव तो प्लस हो गया और यहाँ पे भी प्लस हो गया, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे तो इसमें क्या करोगे आप पाई ऐड करके लिखोगे, क्या करोगे पाई ऐड करके लिखोगे तो आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट अगला नंबर अगर हम थर्ड नंबर के लिए बात करें तो थर्ड नंबर में अगर कंडीशन अप्लाई करें टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, फार्मूला अगर लिखें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे प्लस ही रहेगा, सॉरी ये प्लस रहेगा, और एक्स वाई का जो मान है एक्स लेस देन जीरो है, वाई ग्रेटर देन जीरो है, और एक्स वाई की जो वैल्यू है एक्स वाई का जो मान है माइनस वन लेस देन इज इक्वल टू माइनस वन है, तो इसके लिए आप क्या करो कि एक्स हमारा निगेटिव था, वाई पॉजिटिव था तो प्लस हो गया, एक्स वाई निगेटिव था तो ये भी प्लस हो गया, तो इसके लिए आप क्या करोगे माइनस पाई प्लस ऐड करोगे इस तरीके से, ठीक है, तो तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी जाके, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे अन्यथा नहीं कर पाओगे। अब इसके लिए हम सवाल क्वेश्चन चलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन लगाएं, किस तरीके से इनको हम करेंगे और किस तरीके से वैल्यू अप्लाई होगी उसके लिए बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया और ये बहुत ही अच्छा कायदा था, आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे इसी तरीके से कर पाओगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अब एग्जांपल पे चलते हैं कि इस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से सारी चीजें होंगी, ठीक है, तो पूछते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है, देखो यहाँ से, अगर हम कहीं बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y, ठीक है, और प्लस का cos इनवर्स z है और बराबर क्या लिखा हुआ है पाई, देन हमसे कहता है कि x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2xyz बराबर क्या होगा, ऑप्शन ए बी एंड सी एंड डी, ऑप्शन ए के लिए बात करें वन, बी के लिए बात करें जीरो, सी के लिए बात करें माइनस वन, और ये ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पे सबसे पहले मान लो क्या कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर ए, कॉस इनवर्स वाई बराबर कितना बी, कॉस इनवर्स जेड बराबर कितना सी, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना मान लिया आपने पाई, ठीक, और यहाँ से सबके साथ दो से मल्टीप्लाई करवा दें या ना भी करवाएं तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा पाई माइनस c, कितना हो जाएगा पाई माइनस c, तो यहाँ से देखो यहाँ से अगर सबको ऐड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर cos a, y बराबर कितना cos b, और ये z बराबर कितना हो जाएगा cos c, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे cos के लिए अप्लाई करो तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा cos पाई माइनस सी, तो यहाँ से फार्मूला लगाओगे क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस का sin a इंटू कितना हो जाएगा sin b, और ये cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस का cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा ये क्या होता है माइनस का cos थीटा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा cos c, कितना हो जाएगा cos c, यहाँ से अब यहाँ से cos a cos b, cos a बराबर क्या है x, cos b बराबर क्या है y, ठीक है, sin a बराबर क्या हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और sin b बराबर क्या हो जाएगा क्योंकि हमको cos में लेके जाना है तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा रूट में ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई स्क्वायर,
और बराबर कॉसिन लिखा होगा तो इसको कॉसिन लिख दिया। क्या लिख दिया? कॉसी बराबर क्या लिखा हुआ है? जेड। कितना लिखा हुआ है? जेड। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई तो ये हो ही गया बराबर, सॉरी माइनस था, ये कितना हो गया अगर इसको रूट के अंदर ये करें यहाँ से, ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई स्क्वायर, और कितना हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया जेड। अगर इसको उधर ले जाए इसको इधर ले जाए तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड की पावर कितना बराबर जेड, बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ से ओपन कर वर्ग करा दो, क्या करा दो वर्ग, जब यहाँ पे आप वर्ग कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा क्या प्लस का जेड स्क्वायर और प्लस का टू एक्स वाई जेड बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इससे ये हमारा कैंसिल, ठीक है। और ये वाली सारी चीज़ें इधर आएंगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई जेड बराबर कितना वन, कितना मिला वन मिला। तो बीच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सरल था, ज्यादा तक नहीं था। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो, आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्ट भी कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें करनी जरूरी हैं, होनी भी चाहिए, होंगी सारी चीज़ें होंगी। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप अगर डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, इसमें ऐसी कुछ वैल्यू मानो जो कि हमें डायरेक्ट मिले, ठीक है। आई होप ये हो गया होगा और आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास साइन साइन कॉट इनवर्स टेन और ये कॉस इनवर्स एक्स, इस तरीके से है। तो ये हमारा ऐसे है, ये हमारा ऐसे है और ये हमारा ऐसे था, ठीक है। अगेन तो इसमें कह रहा कि वैल्यू क्या होगी, एक्स मान जो है इसका क्या होगा, नंबर ए बी सी एंड डी, ए में जीरो बी में वन सी में एक्स और इसमें नाना, ये वैल्यू थी। हमने क्या किया कि साइन को तो ऐसे ही लिखा और ये हो गया कॉट को भी तो ऐसे ही लिखेंगे, ये हो गया हमारा टेन। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर इसके अगर नीचे एक माने तो बेस अपान क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है। अगर आप इसको सही से नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा इस तरीके से देख लो, इस तरीके से थोड़ा देखो, बेस अपान हाइपोटेनियस होता है वन, तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, कि बेस अपान हाइपोटेनियस होता है तो वन अपान एक्स स्क्वायर टेन। और ये भी अगर इसको भी टेन में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान कितना है एक्स, ठीक है, ये हो गया जाके, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन और ये हो गया कॉट साइन कॉट इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान कितना है एक्स। अब इसको लेके जाओगे तो देखो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है परपेंडिक सॉरी बेस अपान वन पर बेस अपान परपेंडिकुलर एक्स, तो ये हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा वन, कितना हो जाएगा वन, कितना हो जाएगा वन। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा साइन, ठीक है साइन, और यहाँ पे इसको चेंज करोगे साइन में तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो दिस इससे कैंसिल होके क्या आएगा एक्स। तो बीच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको सबसे पहले प्रैक्टिस पे सबसे लाओ, प्रैक्टिस को कैसे करना है कैसे ब्रेक करना है तो उसको सबसे पहले देखो, जो वीडियो प्रीवियस में पढ़ी हुई हैं उनको वन बाय वन आप अगर सेट करके देखोगे तो बहुत अच्छे से इफेक्ट पाओगे, बहुत अच्छा इफेक्ट पाओगे आप, है ना। तो अगर आगे बढ़ें और आगे इसी में अगर देखें हम क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन क्योंकि हमने देखा यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर का है कहाँ गया,
क्वेश्चन चलो ठीक है, इसको रख कर देते हैं। क्वेश्चन जो अगला है हमारा, हमारे पास है, कहता है कि साइन इनवर्स 2 अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस, ठीक है, साइन इनवर्स 2 बीटा अपान 1 प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 2 टैन इनवर्स एक्स बराबर कह रहा है 2 टैन इनवर्स एक्स। तो कहता है एक्स का मान क्या होगा, एक्स बराबर 1। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में देखो कहता है 1 आएगा, ऑप्शन बी में कहता है कि अल्फा प्लस बीटा बटे 1 माइनस अल्फा बीटा आएगा, ऑप्शन सी में कहता है कि अल्फा माइनस बीटा बटे 1 प्लस अल्फा बीटा आएगा, एंड ऑप्शन डी में कहता है कि अल्फा प्लस बीटा आएगा क्या। तो इसको तो ये हमारा देखो टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला बड़ा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रिकॉल कर लो 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला एक तो ये होता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर, दूसरा होता है sin इनवर्स 2, ठीक है, sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर भी होता है, दूसरा होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपान 1 प्लस x स्क्वायर। These all are formulas of two tan inverse x. तो इस तरीके से फार्मूले होते हैं। तो यहाँ से हमें देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर से रिलेट कर करें तो ये हमारा जो ये बन रहा है तो 2 tan इनवर्स अल्फा और ये बन रहा है 2 tan इनवर्स बीटा के लिए। तो यहाँ पे देखो इसको आप कर देते हैं कि जरूरत नहीं है, और यहाँ पे दिया हुआ है हमें 2 tan इनवर्स x दिया हुआ था, तो ये हमें दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x, दो दो तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा जाके tan इनवर्स अल्फा प्लस का tan इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला tan इनवर्स ये होगा जाके अल्फा प्लस बीटा बटे 1 माइनस अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स x, tan से tan कट गया तो क्या बचा x बराबर अल्फा प्लस बीटा बटी 1 माइनस अल्फा बीटा, ओके, सो दिस वैल्यू इज गिवन बाय दिस, तो x बराबर क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बटी 1 माइनस अल्फा बीटा, तो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और अगला हम जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं इसका हमें आप लोग आंसर बताइएगा क्या है, ठीक है, इसका आप लोग हमें आंसर बताइएगा, क्योंकि आंसर आप लोग बताएंगे। तो यहां से देखो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है इसी बेस से लगेगा साइन इनवर्स, देखो क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स 2a अपान 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। तो कहता है कि x बराबर जो मान होगा क्या आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन में कह रहा है a प्लस बी आएगा, बी ऑप्शन में ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी आएगा, सी ऑप्शन में ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी आएगा, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज क्या है। आपको इस आंसर का कमेंट करके हमें आंसर बताना है, ठीक है, और ये भी बताना है कि हमारा सेशन कैसा लगा, और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।